भारत में लोग बड़ी तादाद में ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों को सभी नियम कायदों की जानकारी नहीं होती। लोग ट्रेन से सफर करने के लिए पहले से टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो सफर नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, हम बताते हैं। ऐसी स्थिति में टिकट कैंसिल करवाने के साथ साथ आप अपने टिकट को किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांसफर की कुछ शर्तें भी हैं। यात्री अपना टिकट परिवार के सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी या पति पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यात्री अगर सरकारी कर्मचारी है और अपने काम के सिलसिले से जा रहा था तो टिकट ट्रांसफर के लिए एक दिन पहले निवेदन करना होता है। वहीं अगर किसी को शादी या फिर निजी काम से सफर करना है तो फिर उसे 48 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले टिकट का प्रिंट आउट ले लें। अब आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। यहाँ आपको जिसके नाम टिकट ट्रांसफर करना है उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी ले जाना होगा। अब आप काउंटर से टिकट को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।